Chancellor! Salame! Chef! First Jain ke neighbor, NCC, Dwarshika Ghat. Ghat! Jain Shriman! Sir! Jain! जैसे हमारे बेसिक कैंप में कैंप जो हैं, जैसे कि सी ए टी सी जो हैं वो नगरोटा में होते हैं, जहां हमें बेसिक जो है वेपन ट्रेनिंग हो गया, ड्रिल हो गया, सरल सब्जेक्ट हो गया और शिप मॉडलिंग के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन जो वाटर बॉर्न एक्टिविटी हैं वो जो है मानसर लेक में होती है। तो जो कश्मीर रीजन के कैडेट्स हैं उन्हें मानसर आने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस बार हमारी यूनिट ने जो है वो एक फैसला लिया कि जो इस बार का जो कैंप है वो जो है मानसबल में लगाया जाएगा। आफ्टर 33 ईयर जो है ये कैंप यहाँ लग रहा है। तो सर, पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के इनिशिएटिव से यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन अब इस कदर मजबूत और अच्छी हो गई है कि आज हमने ये मानसबल लेक का ट्रेनिंग एरिया दोबारा स्टार्ट किया है। आज यहाँ पर एक 100 कैडेट्स का कैंप लगाया गया है, जिसमें दोनों बॉयज और गर्ल्स हैं जो पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से आते हैं, हर एक इलाके से, जम्मू रीजन एज वेल एज कश्मीर रीजन। इस ट्रेनिंग फैसिलिटी के स्टार्ट हो जाने की वजह से कश्मीर के बच्चों को जो जम्मू तक जाना पड़ता था नेवल ट्रेनिंग के लिए, अब शायद नहीं जाना पड़ेगा। उनके लिए पास में ही एक ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। इससे ज़रूरी है कि उन कैडेट्स को नेवल ट्रेनिंग में आसानी होगी और साथ ही जो बाकी एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको इनको देखकर एक मोटिवेशन मिलेगा एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। आपके ज़रिए मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि एनसीसी ने अपने पुराने कैडेट्स जो अब बड़े होकर अपने अपने प्रोफेशंस में चले गए हैं, उनके लिए एक एलुमनाई एसोसिएशन खोला है, जो कि एनसीसी डीजीएनसीसी की वेबसाइट पर उसके लिंक्स अवेलेबल हैं। आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ हमारे सुनने वालों को कि सभी एलुमनाई, सभी एक्स एनसीसी कैडेट्स अपने एलुमनाई एसोसिएशन को ज्वाइन करें। इससे आपको भी और जो कैडेट्स अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं सबको फ़ायदा हो। ओके मैम, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नेवल एनसीसी यूनिट सिर्फ एक होती है, इसलिए जो हमारी 1JNK नेवल यूनिट है, जिसके कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन कपिल शर्मा मेरे बाई तरफ बैठे हैं, ये यूनिट जम्मू रीजन एज वेल एज जनेश्वर सलाम में फर्स्ट जैन के नेबर एनसीसी जैन श्रीमान सर जैन जैसे हमारे बेसिक कैंप में कैंप जो हैं, जैसे कि सी ए टी सी जो हैं वो नगरोटा में होते हैं, जहां हमें बेसिक जो है वेपन ट्रेनिंग हो गया, ड्रिल हो गया, सरल सब्जेक्ट हो गया और शिप मॉडलिंग के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन जो वाटर बॉर्न एक्टिविटी हैं वो जो है मानसर लेक में होती है। तो जो कश्मीर रीजन के कैडेट्स हैं उन्हें मानसर आने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस बार हमारी यूनिट ने जो है वो एक फैसला लिया कि जो इस बार का जो कैंप है वो जो है मानसबल में लगाया जाएगा। आफ्टर 33 ईयर जो है ये कैंप यहाँ लग रहा है। तो सर, पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के इनिशिएटिव से यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन अब इस कदर मजबूत और अच्छी हो गई है कि आज हमने ये मानसबल लेक का ट्रेनिंग एरिया दोबारा स्टार्ट किया है। आज यहाँ पर एक 100 कैडेट्स का कैंप लगाया गया है, जिसमें दोनों बॉयज और गर्ल्स हैं जो पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से आते हैं, हर एक इलाके से, जम्मू रीजन एज वेल एज कश्मीर रीजन। इस ट्रेनिंग फैसिलिटी के स्टार्ट हो जाने की वजह से कश्मीर के बच्चों को जो जम्मू तक जाना पड़ता था नेवल ट्रेनिंग के लिए, अब शायद नहीं जाना पड़ेगा। उनके लिए पास में ही एक ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। इससे ज़रूरी है कि उन कैडेट्स को नेवल ट्रेनिंग में आसानी होगी और साथ ही जो बाकी एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको इनको देखकर एक मोटिवेशन मिलेगा एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। आपके ज़रिए मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ
कि एनसीसी ने अपने पुराने कैडेट्स जो अब बड़े होकर अपने अपने प्रोफेशंस में चले गए हैं उनके लिए एक एलुमनाई एसोसिएशन खोला है जो कि एनसीसी डीजीएनसीसी की वेबसाइट पर उसके लिंक्स अवेलेबल हैं। आपके थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ हमारे सुनने वालों को कि सभी एलुमनाई सभी एक्स एनसीसी कैडेट्स अपने एलुमनाई एसोसिएशन को ज्वाइन करें, इससे आपको भी और जो कैडेट्स अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं सबको फायदा हो। ओके मैम, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नेवल एनसीसी यूनिट सिर्फ एक होती है, इसलिए जो हमारी वन जेएनके नेवल यूनिट है जिसके कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन कपिल शर्मा मेरे बाई तरफ बैठे हैं, ये यूनिट जम्मू रीजन एज वेल एज़